न्यायियों की पुस्तक अध्याय 16। न्यायियों की पुस्तक अध्याय 16। तब शिमशोन अज्जा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। जब अज्जियों को इसका समाचार मिला कि शिमशोन यहां आया है, तब उन्होंने उसको घेर लिया और रात भर नगर के फाटक पर उसकी घात में लगे रहे और यह कहकर रात भर चुपचाप रहे कि बिहान को भोर होते ही हम उसको घात करेंगे। परंतु शिमशोन आधी रात तक पड़ा रहकर आधी रात को उठकर उसने नगर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर बेंडों समेत उखाड़ लिया और अपने कंधों पर रखकर उन्हें उस पहाड़ की चोटी पर ले गया जो हेब्रोन के सामने है। इसके बाद वह सोरेक नाम नाले में रहने वाली दलीला नाम एक स्त्री से प्रीति करने लगा। तब पलिश्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तू उसको फुसलाकर बूझ ले कि उसके महाबल का भेद क्या है और कौन उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हो कि उसे बांधकर दबा रहे, तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है और किस रीति से कोई तुझे बांधकर दबा रख सके। शिमशोन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई नई तातों से बांधा जाओ जो सुखाई न गई हो, तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊंगा। तब पलिश्तियों के सरदार दलीला के पास ऐसी नई नई 7 ताते ले गए जो सुखाई न गई थी और उनसे उसने शिमशोन को बांधा। उसके पास तो कुछ मनुष्य कोठरी में घात लगाए बैठे थे। तब उसने उससे कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब उसने तातों को ऐसा तोड़ा जैसा सन का सूत आग से छूते ही टूट जाता है और उसके बल का भेद न खुला। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, सुन, तूने तो मुझसे छल किया और झूठ कहा है, अब मुझे बता दे कि तू किस वस्तु से बंध सकता है। उसने उससे कहा, यदि मैं ऐसी नई नई रस्सियों से जो किसी काम में न आई हो कसकर बांधा जाओ, तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। तब दलीला ने नई नई रस्सियां लेकर और उसको बांधकर कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। कितने मनुष्य तो उस कोठरी में घात लगाए हुए थे। तब उसने उनको सूत की नाई अपनी भुजाओं पर से तोड़ डाला। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, अब तक तू मुझसे छल करता रहा और झूठ बोलता आया है, अब मुझे बता दे कि तू काहे से बांध सकता है। उसने कहा, यदि तू मेरे सिर की 7 लटे ताने में बुने तो बांध सकता हूं। सो उसने उसे खुंटी से जकड़ा। तब उसने उससे कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह नींद से चौक उठा और खुंटी को धरन में से उखाड़कर उसे ताने समेत ले गया। तब दलीला ने उससे कहा, मेरा मन तो तुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति करता हूं? तूने ये 3 बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। सो जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहां तक हट किया कि उसके नाकों में दम आ गया, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं मां के पेट ही से परमेश्वर का नाजीर हूं। यदि मैं मुंडा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊंगा। यह देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है, दलीला ने पलिश्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा कि अब की बार फिराओ, क्योंकि
उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। तब पलिश्तियों के सरदार हाथ में रुपया लिए हुए उसके पास गए। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की सातों लटे मुंडवा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह चौककर सोचने लगा कि मैं पहले की नाई बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। तब पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे अज्जा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। उसके सिर के बाल मुंड जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। तब पलिश्तियों के सरदार अपने दागोन नाम देवता के लिए बड़ा यज्ञ और आनंद करने को यह कहकर इकट्ठे हुए कि हमारे देवता ने हमारे शत्रु शिमशोन को हमारे हाथ में कर दिया है। और जब लोगों ने उसे देखा तब यह देखकर अपने देवता की स्तुति की कि हमारे देवता ने हमारे शत्रु और हमारे देश के नाश करने वाले को, जिसने हम में से बहुतों को मार भी डाला, हमारे हाथ में कर दिया है। जब उनका मन मगन हो गया तब उन्होंने कहा, शिमशोन को बुलवा लो कि वह हमारे लिए तमाशा करे। इसलिए शिमशोन बंदी गृह में से बुलवाया गया और उनके लिए तमाशा करने लगा और खंभों के बीच खड़ा कर दिया गया। तब शिमशोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन खंभों को जिनसे घर संभला हुआ है छूने दे कि मैं उस पर टेक लगाऊं। वह घर तो स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था और पलिश्तियों के सब सरदार भी वहां थे और छत पर कोई 3,000 स्त्री पुरुष थे जो शिमशोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दोहाई दी कि हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभे को, जिनसे घर संभला हुआ था, पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया और शिमशोन ने कहा, पलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वह घर सब सरदारों और उनमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। सो जिनको उसने मरते समय मार डाला वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। तब उसके भाई और उसके पिता के सारे घराने के लोग आए और उसे उठाकर ले गए और सोरा और इश्ताओल के मध्य उसके पिता मानोह की कब्र में मिट्टी दी। उसने इसराइल का न्याय 20 वर्ष तक किया था।